हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्लान्स एंड लाइफस्टाइल। मैं हूं शुभेन। आज हम बात करने वाले हैं कि डेली साइकिल्स आपको किस तरह चलानी है अपनी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि डेली अगर आप रेगुलरली एक एक घंटे की साइकिल चलाओगे तो कपड़ों की क्वालिटी ख़राब होगी। तो इसलिए ट्राई करना है कि आपको किस तरह से अच्छे तरीके से धोने हैं डेली कपड़े, और क्या साइकिल चलानी है जिससे सबसे कम एनर्जी कंजम्पशन रहे, और उसी के साथ ही आपके कपड़े अच्छे से धुलें और पाउडर कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये तीन ही फैक्टर्स रहते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेयरिंग होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि कपड़ों की क्वालिटी किस तरह आपको अच्छी रखने के लिए क्या आप एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जो होता है वॉशिंग बैग। वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैंने इधर तीन वॉशिंग बैग का एक सेट मंगवा रखा था, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें तो वॉशिंग करने के लिए, अगर जब भी आप वॉशिंग मशीन अपनी यूज़ कर रहे हैं तो एक घंटे की साइकिल यूजुअली सारी वॉशिंग मशीन में होती है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होती है एक घंटा चलाना। प्लस इसी के साथ ही यूजुअली क्या होता है, लोग गर्म कपड़े गर्म पानी में धोते हैं, अगर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन उनके पास है तो 40 डिग्री का टेम्परेचर पर ज़्यादातर धोते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कपड़े धोने के लिए। अगर आप कोल्ड वॉश भी दे रहे हैं अपने कपड़ों को तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा और आप आराम से अपने कपड़े यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होगा। तो रेगुलर वॉशिंग साइकिल में जब भी आप रेगुलरली कपड़े धो रहे हैं तो आप सिंपली नॉर्मल कोल्ड वॉश में धोइए और 30 मिनट की साइकिल चलाइए। तो इसमें मैं 30 मिनट की साइकिल चलाता हूँ, उसमें क्या होता है कि मेरे कपड़े जो होते हैं उसके अंदर 2 kg या 3 kg का लोड होता है। अगर आप ज़्यादा लंबा लोड चाहते हैं ज़्यादा लंबा रख सकते हैं, लेकिन क्विक वॉश आप कर सकते हैं उसके साथ, प्लस कोल्ड वॉश में धोइए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गर्म कपड़े गर्म पानी में धोने के लिए। गर्म पानी में तब धोने चाहिए कपड़े, जैसे कि बेडशीट्स हैं उनको गर्म पानी में धोना चाहिए। 40 डिग्री टेम्परेचर आप सेट कर लो, सिंपली कॉटन वाली साइकिल पे जाओगे आप तो कॉटन वाली साइकिल पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कर सकते हो, या फिर 60 डिग्री पे उसको सेट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं जैसे 2-3 दिन में एक बार धोनी है आपको बेडशीट, तो आप वो उस तरह यूज़ कर सकते हो। प्लस इसका मैंने प्रॉपरली एनालिसिस करा था ऑनलाइन, काफ़ी रिसर्च काफ़ी ऑनलाइन पढ़ा, तब मेरे को ये पता चला कि यूके की ये कंपनी है जो मेनली जिसने रिसर्च करी है इस पर, और वो कहता है कि अगर आप 40 डिग्री पे भी धोते हो कपड़े तो सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं काफ़ी। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टीम फीचर जो अब कंपनियां बेच रही हैं स्टीम फीचर लगाकर, और कि बहुत स्टीम फीचर और नॉर्मल फीचर में कोई इतना फ़र्क नहीं है, गर्म पानी में दोनों सेम ही है, स्टीम से कुछ ऐसा क्रेजी नहीं हो जाता है, ये भी मैंने अच्छे से रिसर्च कर ली, लेकिन मार्केटिंग करने के तरीके हैं जिससे कि मशीन्स बिक सके लोगों की। तो ये थी डेली साइकिल में सिर्फ 30 मिनट की साइकिल धोइए, और जितना रिकमेंडेड लोड होता है वो आपको तब पता चलेगा जब आप दरवाज़ा खोल के रखेंगे, तब रिकमेंडेड लोड इधर आने लग जाएगा। तो 1 आवर की में 5 kg का रिकमेंडेड लोड है और 40 डिग्री पे ये चलती है, तो रिक्वायरमेंट नहीं रहती इतनी। अगर आपके पास कपड़े हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप मिक्स लोड चलाइए सिर्फ 4 का, और जितना कम से कम टाइम यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट तक अगर आप धोएंगे कपड़े तो आपके अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे और प्रॉपरली आपके को क्वालिटी में इशू नहीं मिलेगा। अब सेकेंड बात आती है पाउडर कंजम्पशन की। पाउडर कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं, अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो आपको 1.5 कप के अराउंड रिक्वायर्ड रहता है, मतलब कि 1 कप में यूजली हमारे पास रहता है। तो ये एक मेरे को एरियल के साथ मिला था, अगर आप एरियल भी अच्छा लग रहा है मेरे को, अगर आप अभी एरियल रेगुलर यूज़ में एरियल यूज़ कर रहे हैं तो मैं काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर सकता हूँ, सर्फ एक्सेल मैटिक और एरियल लिक्विड और हेंको एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एरियल का जो ये है कप, ये काफ़ी सही है, एकदम 60 grams का कप है। और अगर आपके ज़्यादा सॉइल कपड़े होते हैं ज़्यादा डर्टी कपड़े होते हैं तो आप 2 चीज़ें और लगा सकते हैं, एक तो प्री वॉश फंक्शन। वो काफ़ी मशीन्स में जो नई मशीन बॉश की आई है उनमें प्री वॉश फंक्शन नहीं है, लेकिन बॉश कहता है कि उन्होंने इनबिल्ट प्री वॉश फंक्शन सब में डाल रखा है, तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हो। अगर प्री वॉश तो इधर 3 होती हैं आपकी, ये इसको भी निकाल के देख लें, तो ये आपकी जो ड्रॉर है, ड्रॉर में आपकी 3 सेक्शंस होते हैं, ये वाला प्री वॉश के लिए होता है मेनली, ये वाला होता है लिक्विड के लिए और वाटर वो फैब्रिक सॉफ्टनर के लिए, और ये वाला होता है नॉर्मल डिटर्जेंट धोने के लिए, तो नॉर्मल डिटर्जेंट जिससे आप कपड़े धो सको। तो प्री वॉश में डाल दीजिए आप, और प्री वॉश में डाल के चेक करिए। अगर आपके पास नई मशीन्स हैं वॉश की, मतलब WAJ वाले मॉडल्स हैं, तो अगर वो वाले मॉडल्स हैं तो आप वो लगा कर देख सकते हैं, और उसमें प्री वॉश में डाल के देखिए कि वो पूरा सक करता है कि नहीं करता है। सो ये चीज़ है, मैंने मशीन की वीडियो बनाई रखी है, प्री वॉश और नॉर्मल डिटर्जेंट के दोनों के कंपार्टमेंट्स फ़र्क होते हैं, आप शायद देख सकते हैं बीच में एक लाइन बनी हुई है, पार्टीशन बना हुआ है, तो उधर का सामान बाद में जाता है और इधर का जो डिटर्जेंट है वो बाद में जाता है। तो इसको लगा देते हैं हम, और इसके अलावा जो मैं बताना चाह रहा था, ये तो रेगुलर साइकिल की चीज़ें हो गई।
तो 30 मिनट इज़ गुड इनफ, कोल्ड वॉश इज़ एक्सेलेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर में बेबीज हैं या कुछ है तो आप 60 डिग्री पे कपड़े धो सकते हैं, वो रिकमेंडेशन रहेगी। प्लस आप डिटॉल भी डाल सकते हैं अगर घर पे बेबीज वगैरह हैं तो, या इन्फेंट्स हैं, या फिर काफ़ी गंदे होते हैं कपड़े, या फिर बैक्टीरिया वगैरह का आपको लगता है कोई ऐसा काम हो तो। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि क्योंकि विंटर्स वगैरह हैं अभी, तो विंटर्स के हिसाब से जब भी आपके वो विंटर्स विंटर वेयर धोना है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है जो आपका फ्लफी हो, तभी मैंने एक जैकेट रख रखी है इधर जो हमारी धुलने की है। ये जैकेट जैसे है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत फ्लफी जैकेट है, लेकिन इसमें ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जो इसका रोया है वो शायद निकल के ख़राब हो सकता है। तो मैं ये 3 वॉशिंग बैग्स लेकर आया हूँ, इनका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगा। ये 3 चीज़ों के लिए मेनली काम आते हैं। अगर आपके पास शूज़ हैं, शूज़ आप धोना चाहते हो तो वॉशिंग मशीन में धो सकते हो बिल्कुल। यूजली रिकमेंडेड रहता है कोल्ड वॉश पे धोएं शूज़, और अगर प्लास्टिक नहीं है शूज़ में तो 40 डिग्रीज तक धो सकते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक हुई या फिर लेदर भी हुआ तो वो ख़राब कर सकता है। तो शूज़ को अगर आप चाहो तो इसके अंदर डाल दो। हमारे पास 3 बैग्स हैं यहाँ पर, 3 अलग अलग साइज़ के। अगर आप धोना चाहते हो तो सिंपली अपने शूज़ को इसमें डाल दो, और ये आपको क्या हेल्प करता है, एक तो शूज़ को साथ रखता है, शूज़ ऐसे उड़ते नहीं रहते हैं, प्लस इंटैंगल नहीं होते हैं। तो आप शूज़ ऐसे डाल दो और इसके साथ इस बैग को अंदर डाल दो, तो इससे क्या रहता है, कपड़े 3 फायदे, शूज़ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंडली, जब आप कपड़े धो रहे हो और आपको सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप चाहो तो अंडरगार्मेंट्स वगैरह एक बैग के अंदर डाल के डाल सकते हो और कपड़े अच्छे से धुलते हैं एकदम, कोई इशू नहीं रहता उसके अंदर। प्लस जो ये वुलन है, ये वुलन में आप चाहते हो कि डेलिकेट्स जो होते हैं उन डेलिकेट्स को आप इनके अंदर अगर डाल दोगे तो ये प्रॉपरली धुल जाएंगे, और आप इसको आराम से इसके अंदर रख दो। और एक जैकेट जैसे है, 2 जैकेट 3 जैकेट बड़ी जैकेट्स हैं, ये आपने डाल दी, इसमें ना ख़राब होगी ना पिले जाएगी। पिले मतलब जो रोआ आ जाता है ना, वो रोआ भी नहीं आएगा इनमें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। और आप ऐसे करके आराम से इसके अंदर डाल सकते हो। मेरी अभी जैम पैक्ड है क्योंकि मेरी 8 kg की साइकिल चलेगी अभी, 3 घंटे की 8 kg की साइकिल चलेगी 60 डिग्री टेम्परेचर पर। ओके, 3 घंटे की 8 kg की साइकिल चलेगी, हाँ 60 डिग्री टेम्परेचर पे, क्योंकि ये एक मेनली कॉटन का क्लोथ है और कुछ इन्फेंट और बेबी वाले क्लोथ भी इसके अंदर हैं, तो उस हिसाब से ये 3 घंटे चलेगी। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली स्पिन विन होकर निकलेंगे, तो उसके बाद मैक्सिमम 15-20 मिनट में, 25 मिनट में कपड़े सूख जाएंगे बाहर। सो यही मैं बताना चाह रहा था, और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है लॉन्ड्री बैग्स। अगर आपने अभी तक लिया नहीं है तो आप और अच्छी वॉशिंग क्वालिटी चाहते हैं, जिससे कि यार कपड़े आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ख़राब ना हो और आप टेक केयर करना चाहते हैं और आराम से रखना चाहते हैं उनको, तो बिल्कुल ये नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ख़रीद लीजिए। और एक बहुत अच्छी बहुत सिंपल एक्सेसरी है, बहुत सस्ती आती है। 3 बैग का पैक लिया था मैंने, जिससे कि मैं अलग अलग यूज़ कर सकूँ और काफ़ी अच्छे रहते हैं यूज़ के लिए। सो यही मैं बताना चाह रहा था। अगर कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू वॉशिंग मशीन या कोई भी और चीज़ है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी लोगों के डाउट्स आए थे वाटर प्रेशर पंप के लिए, कि प्रेशर पंप क्योंकि काफ़ी लोगों की मशीन में पानी का सिंबल वगैरह बने आ रहा था टैप, तो प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट रहती है वॉशिंग मशीन में। अगर आप मतलब एकदम ही आप लेट्स से 3rd फ्लोर पर रहते हो और उसके ऊपर आपकी मशीन है तो वो वाटर टैंक लगा हुआ है, तो आपको वाटर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो क्रॉम्पटन का काफ़ी अच्छा आता है वाटर प्रेशर बूस्टर जो है, मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो यूज़ कर सकते हो चाहो तो। और वो बहुत परफेक्ट रहता है अगर आप आपके घर में 2+ वॉशरूम्स हैं तो, तब बिल्कुल है 2 या 2+ वॉशरूम्स हैं तो। सो दैट्स अबाउट इट। अगर कोई भी डाउट्स है तो मेंशन करिए, मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहता हूँ। इसके अलावा भी बहुत और वीलॉगिंग टाइप मस्ती वाली वीडियोस भी लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। वॉशिंग मशीन रिलेटेड तो सारी रिसर्च कर रखी है मैंने, उसके अलावा मैंने सब भी बता रखा है, और जनरल वीडियोस ऑन जनरल गुड प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में भी बना रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल हीटर के बारे में बनाई है, और जो मेरे को करेंटली बेस्ट ऑयल हीटर लगता है, जो स्टीमर है करेंटली वो बेस्ट जोन सा लगता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी की, जैसे मैंने शू पॉलिशर की बनाई और वो बहुत काम की, बहुत सही आइटम है, तो उसका भी आप देख सकते हैं, लिंक इधर कार्ड पे आ रहा होगा टॉप लेफ्ट साइड पे, नहीं तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका आपको रेगुलरली ऐसी वीडियोज मिलती रहे। साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।